दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के एक ऐसे वीर सिपाही के बारे में जिन्होंने भारतीय सीमा पर घुसपैठ करने वाले चार आतंकवादियों को अकेले ही मार गिराया था। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के वीर सिपाही हवलदार हंगपन दादा की। हंगपन दादा इंडियन आर्मी के असम रेजिमेंट के सिपाही थे और इसी मुठभेड़ के समय वे राष्ट्रीय राइफल्स के नौगाम सेक्टर में तैनात थे। जब हवलदार हंगपन दादा अपने साथियों के साथ सीमा पर गश्त पर थे तभी उनको सूचना मिली कि जम्मू कश्मीर के नौगाम क्षेत्र में कुछ आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। हंगपन दादा तुरंत ही एक्शन लेते हुए 8 सैनिकों की एक छोटी टीम बनाई और 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए पहुंच गए। दुश्मन दादा की टीम से महज कुछ ही दूरी पर थे। दुश्मनों को उनके वहां पर होने का आभास हो गया था और इसी वजह से उन्होंने पत्थरों के पीछे से अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। पर हंगपन दादा ने कुछ ही देर चली हुई इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। पर चौथे आतंकवादी का सामना करते हुए हंगपन दादा को कई गोलियां लग चुकी थी और वे गंभीर रूप से घायल होने के कारण दादा वीरगति को प्राप्त हुए। हवलदार हंगपन दादा को अदम्य साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया।